राजकोट के मैदान पर खेले जा रहे भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैदान पर आज तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल का तूफान देखने को मिला। जायसवाल ने पहले तो पारी की शुरुआत कदम फूंक फूंक कर रखे, लेकिन जब एक बार नजरें जमा ली उसके बाद इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथ लेना शुरू किया। जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक भी जड़ा, साथ ही इस टेस्ट श्रृंखला में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। यशस्वी जायसवाल ने अभी तक अपने टेस्ट करियर में सिर्फ 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक दोहरा शतक, 3 शतक और 2 अर्धशतक जड़ दिए हैं। जायसवाल के छोटे से करियर से हर कोई प्रभावित है। इंग्लैंड की टीम जैसे बेसबॉल खेलती है, उसी तरह से यशस्वी जायसवाल इस पूरी श्रृंखला में जैसबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम ने 126 रनों की लीड लेने के बाद पारी की शुरुआत की थी। अब इंडिया टीम की लीड 250 रनों से ज्यादा की हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल भी क्रीज पर मौजूद हैं और दोनों के बीच 135 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी हो चुकी है। दोनों ही युवा बल्लेबाज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि यशस्वी अपने इस शतक को एक बड़े शतक में तब्दील करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से दोहरा शतक जमाया जाए। वहीं शुभमन गिल भी अपने 44 रन पर अभी नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी अपनी लय हासिल करने के लिए क्रीज पर कुछ और समय बिताना जरूर चाहेंगे। लेकिन आज का जो मुख्य किरदार रहे हैं वो यशस्वी जायसवाल रहे, जिन्होंने अभी तक अपने टेस्ट करियर में, छोटे से टेस्ट करियर में, 3 शतक और 1 दोहरा शतक जड़ दिया है। और उनका तीसरा टेस्ट शतक आया है राजकोट के मैदान पर, जब भारतीय टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। यशस्वी जायसवाल पहले 63 गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रहे थे, फिर एकदम से बल्लेबाजी का गियर बदला और 122 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। जायसवाल का ये T20 रूप बेहद भारतीय टीम को भा रहा है। जायसवाल के शतक के बाद खुद कप्तान बेहद खुश नजर आए और ड्रेसिंग रूम से ही ताली बजाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।